Hello everyone, welcome to UPSC IQ Tab and a very good morning to all of you. I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. So हम continue करेंगे आज 74th Constitution Amendment Act of 1992 को. Already हमने इसके कुछ features कल देख लिए थे, बाकी जो rest of the features जो बचे हैं उन्हें हम आज के video में finish कर लेंगे. So start करते हैं आज का discussion. सबसे पहले हम बात करेंगे powers and functions की. तो बोला जा रहा है कि द स्टेट लेजिस्लेचर में इंडो द म्यूनिसिपालिटीज विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सच अ स्कीम में कंटेन प्रोविजंस फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन म्यूनिसिपालिटीज एट द अप्रोप्रिएट लेवल विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस एज मे बी इंटरेस्टेड टू देम इंक्लूडिंग दोज इन रिलेशन टू द 18 मैटर्स लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल. यानी जिस तरीके से हमने पंचायती राज में देखा था, सेम आपको देखने को मिलेगा म्यूनसिपालिटीज़ में भी है कि स्टेट लेजिस्लेचर की ड्यूटी बनती है कि वो कुछ पावर्स कुछ अथॉरिटीज़ जो है म्यूनसिपालिटीज़ को दे सो दैट वो अपना जो फंक्शन है एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का वो कर सकें एंड उसके लिए जो भी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्रांसफ़र की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू कि किस तरीके से वो जो प्लान्स वगैरह बना सकते हैं रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस रिलेटेड कुछ भी प्लान्स को प्रिपेयर करने की पावर उनके पास रहेगी. और साथ ही साथ ऐसी कोई स्कीम्स आ रही हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है सोशल जस्टिस रिलेटेड है तो उनको इम्प्लीमेंट भी वो कर पाएंगे. इसके अलावा 12th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा 18 मैटर्स जो है वो अभी हम आज के वीडियोस में देखेंगे कि उन पर्टिकुलर 18 एटम्स से रिलेटेड जो है आपकी जो म्यूनसिपालिटीज़ है उन पर काम कर सकती है. ठीक है, इन एरियाज़ के ऊपर. नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन उसका फाइनेंसेस. फाइनेंसेस में भी है कि द स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथराइज अ म्यूनसिपालिटी टू लेवी टैक्स एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज़ टोल्स एंड फीस साथ ही साथ असिस्ट टू म्यूनसिपालिटीज टैक्स ड्यूटीज टोल्स फीस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग ग्रांट्स एंड एड टू द म्यूनसिपालिटीज फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड फॉर क्रेडिटिंग ऑल द मनीज ऑफ द म्यूनसिपालिटीज. यानी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है ऑथराइज करती है म्यूनसिपालिटीज़ को कि आप इन चीज़ों पर टैक्स को लेवी कर सकते हो ऐसे तरीके से टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो इन तरीक़ों से आप टैक्स को फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. टैक्स हो गया ड्यूटीज़ होगी टोल्स हो गए फीस हो गए तो ये सब चीज़ें यानी किन किन चीज़ों के ऊपर म्यूनसिपालिटी खुद से जो है टैक्स लगा सकती है उनको कलेक्ट कर सकती है एंड देन उनको यूज़ कर सकती है वो पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे प्रोवाइड करती है. इसके अलावा ऐसी कुछ टैक्स ड्यूटीज टोल्स और फीस जो कि कलेक्ट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है एंड देन उस पैसे को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किए जाते हैं असाइन किया जाता है किसको म्यूनसिपालिटीज़ को. और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि जो कंसोर्टेड फंड ऑफ द स्टेट है वहाँ से कुछ ग्रांट एंड एड के फॉर्म में पैसा दिया जाता है म्यूनसिपालिटीज़ को सो दैट वो अपने जो फाइनेंसेस है जो फंड्स वगैरह उनके पास अवेलेबल रहे ताकि वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी ऐसी स्कीम्स आ रही है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो फंड्स को यूज़ करें. एंड साथ ही साथ ऐसा कोई फ़ंड क्रिएट किया जा सकता है जहाँ पे उन सब पैसों को रखा जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कि म्यूनसिपालिटीज़ को दिया जाना है यू नो कुछ भी फंड्स वगैरह के लिए. नेक्स्ट आपका फीचर है फाइनेंस कमीशन. यहाँ पे बोला जा रहा है कि द फाइनेंस कमीशन विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पंचायत के लिए बनाया जाता है फॉर एवरी 5 ईयर्स के लिए वो साथ ही साथ पंचायत के साथ साथ रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनसिपालिटीज़. ठीक है, एंड कुछ रिकमेंडेशंस देगा गवर्नर को. जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ रिकमेंडेशंस उसने पंचायत से रिलेटेड गवर्नर को दी थी सिमिलरली वो म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस गवर्नर को देंगे कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल पोजिशन है म्यूनसिपालिटीज़ को हम कैसे और ज़्यादा यू नो बेटर बना सकते हैं. पहला रिकमेंडेशन होगा कि द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द म्यूनसिपालिटीज ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स फीस लेविड बाय द स्टेट एंड एलोकेशन ऑफ शेयर अमंगस्ट द म्यूनसिपालिटीज एट ऑल द लेवल्स. यानी म्यूनसिपालिटीज जो आपको देखने को मिलेगी आपका यू नो नगर पंचायत है म्यूनसिपल काउंसिल है देन आपका यू नो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है तो यहाँ पे यानी ऐसे कुछ टैक्स ड्यूटीज टोल्स वगैरह जो कि कलेक्ट कर रही हैं स्टेट गवर्नमेंट बट उसका पैसा जो है कहीं ना कहीं वो शेयर करेगी हर एक लेवल पे जो म्यूनसिपालिटीज़ होंगी उसके साथ. तो कितना पैसा शेयर किया जाएगा अगेन वो चीज़ रिकमेंड करेगा आपका फाइनेंस कमीशन. सेकेंड है द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस ड्यूटी टोल्स फीस दैट मे बी असाइन टू द म्यूनसिपालिटीज़. यानी कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताया जाएगा कि किन किन टैक्सेस के ऊपर किन किन ड्यूटीज़ के ऊपर टोल्स के ऊपर फीस के ऊपर जो है हमारी म्यूनसिपालिटीज़ जो है कहीं ना कहीं टैक्स लगा सकती है उनको कलेक्ट कर सकती है तो किन किन चीज़ों के ऊपर. देखो अगेन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने पास रखेगी कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ काम करेगी तो अगेन वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर लगा सकती है ये डिटरमाइन करने की पावर आपकी फाइनेंस कमीशन के पास है. मतलब इन द सेंस वो रिकमेंड करेगा बाकी तो लगाना नहीं लगाना स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है.
थर्ड है द ग्रांटिंग एड टू द म्यूनसिपालिटी फ्रॉम द कंसोर्टेड फंड ऑफ द स्टेट, कि स्टेट के जो फंड है, कंसोर्टेड फंड है, वहाँ से कितना ग्रांट देना है म्यूनसिपालिटीज़ को, वो अगेन रिकमेंड किया जाएगा फाइनेंस कमीशन के द्वारा. सेकेंड पॉइंट है द मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द म्यूनसिपालिटीज़, यानी किस तरीके से क्या क्या ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करना है जिससे फाइनेंशियल पोजिशन जो है म्यूनसिपालिटीज़ की और ज़्यादा बेटर हो सके, वो मेजर्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सजेस्ट किए जाएंगे. एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द गवर्नर इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ म्यूनसिपालिटीज़, यानी म्यूनसिपालिटीज़ की फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो गवर्नर को लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर यू नो बहुत नेसेसरी है, तो उस मैटर को कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन को दिया जाएगा और उस मैटर के ऊपर भी फाइनेंस कमीशन जो है अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है. गवर्नर शेल प्लेस द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर. स्टेट लेजिस्लेचर अगर आपको वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर काउंसिल भी है, तो दोनों ही हाउसेस के सामने जो है उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस की जो भी रिपोर्ट है दोनों हाउसेज के सामने रखा जाएगा, साथ साथ क्या क्या एक्शन लिया गया उस रिपोर्ट के ऊपर वो भी वहाँ पर रखा जाएगा. एंड इसके अलावा देखने को मिलेगा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है शेल ऑल्सो सजेस्ट अ मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोर्टेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द म्यूनसिपालिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट. यानी अगेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी कुछ ना कुछ सजेशन यहाँ पे देगा कि किस तरीके से जो कंसोर्टेड फंड ऑफ द स्टेट से कितना पैसा आप यू नो ट्रांसफर कर रहे हो, डिवोल्यूशन हो रहा है, यू नो म्यूनसिपालिटीज़ के पास जा रहा है, तो वो भी अपनी कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे दे सकते हैं. नेक्स्ट है आपको ऑडिट ऑफ अकाउंट. द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय म्यूनसिपालिटीज एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट. यानी किस तरीके से म्यूनसिपालिटीज़ को अकाउंट को मेंटेन करना है, वो क्या क्या प्रोविजंस होंगे, किस तरीके से उस अकाउंट को मेंटेन करना है और फिर उस अकाउंट को किस तरह से ऑडिट किया जाएगा, तो वो अगेन स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस रिलेटेड कुछ प्रोविजंस फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज़. द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज़ के लिए एप्लीकेबल तो हैं, बट प्रेजेंट में डायरेक्ट दैट दी वुड अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज दे मे स्पेसिफाई. यानी प्रेजिडेंट की क्योंकि डायरेक्टली उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये आते हैं यूनियन टेरिटरीज, तो यहाँ पे प्रेजिडेंट जो डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि वो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है, उसके जो प्रोविजन्स है किस तरह से हमें अप्लाई करने हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ अप्लाई करने हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, तो वो उनके द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा. तो इसके रिस्पेक्ट पे आपको देखने को मिलेगा इन एक्सरसाइज ऑफ अबव पावर द प्रेसिडेंट इन 2001 उन्होंने डायरेक्टेड किया दैट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 243ZD, यानी आर्टिकल जो 243ZD है जो कि बात करता है कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की, एंड आर्टिकल 243ZE जो कि बात करता है कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की, ये जो आर्टिकल्स है दोनों ये अप्लाई नहीं होंगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पे. ठीक है, तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब उस पूरे पर्टिकुलर एक्ट में ये जो दो आर्टिकल्स थे इन सबको जो है कहीं ना कहीं अप्लाई करने से मना किया है दिल्ली पे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिली कि हमारे प्रेसिडेंट इस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ एक्सेप्शंस के साथ उनको यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई कर सकते हैं अगर हम दिल्ली, क्योंकि हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन दो आर्टिकल्स को यहाँ पे अप्लाई करने से मना कर दिया गया है, जो कि पहला है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड, दूसरा मेट्रो प्लानिंग कमेटी से रिलेटेड. भी दो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या होती है वो अभी आप फर्दर इसी वीडियो में जो है समझेंगे, बट अभी के लिए आपको बस याद रखना है कि इस तरीके से प्रेजिडेंट ने जो है दिल्ली में इस तरीके से दो आर्टिकल्स को अप्लाई करने से मना किया है, इन दो आर्टिकल्स के जो प्रोविजंस हैं. नेक्स्ट है आपका एग्जेम्प्टेड एरियाज. द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट. It shall also not affect the functions and powers of the Darjeeling Gorkha Hill Council of the West Bengal. यानी कि ये जो particular 74th Amendment Act है इसके provisions जो है apply नहीं होंगी scheduled area और tribal areas में. क्यों? Because हम जानते हैं किस तरीके से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ के उनके खुद ही customs है, laws है, उसके हिसाब से वहाँ पर वो काम करते हैं. एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर एक्ट के जो प्रोविजंस है ऑल्सो यू नो इफेक्ट नहीं करने चाहिए जो पावर एंड फंक्शंस दी गई है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी. यानी जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल जो है ना, इसको बेसिकली सेटअप किया था दार्जिलिंग एरिया के लिए जो कि वेस्ट बंगाल में है, उनके खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करते हैं. दैट्स वाई ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसके प्रोविजंस आपको इस पर्टिकुलर जो है एरिया में आपको बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं करना है. ठीक है,
However, the Parliament may extend the provision of this part to the Scheduled Area and Tribal Area subject to such exceptions or modification के साथ चाहे तो कर सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन Parliament के पास पावर दी गई है. At present देखिए 2019 में तो 10 ऐसे स्टेट्स हैं जो Scheduled Area के अंडर आते हैं, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान. एंड प्रेजेंटली 2019 के हिसाब से देखें तो 10 ट्राइबल एरियाज आते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं इन द 4 स्टेट में. एक असम में 3 मिलेगा आपको, और मतलब 3 वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है. मेघालय में 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, त्रिपुरा में 1 है, मिजोरम में 3 है. तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये क्या है, ATMM. ठीक है, सो दैट आपको याद रह जाए असम, त्रिपुरा, आपका यहाँ पे मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया. अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की. तो एवरी स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी हर एक स्टेट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को बनाएगा. और उस कमेटी का काम ये होगा कि उसको कंसोलिडेट करना है प्लान्स जो कि प्रिपेयर किए गए पंचायत और म्यूनसिपालिटी इन द डिस्ट्रिक्ट. क्योंकि देखो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा एरिया होगा जो कि रूरल एरिया होगा, तो रूरल एरिया होगा तो वहाँ पर पंचायत काम कर रही है, और कुछ एरिया ऐसा होगा जो कि अर्बन एरिया के अंदर आता है तो वहाँ पर म्यूनसिपालिटीज़ काम कर रही है. तो अब जो दोनों ही के द्वारा जो प्लान बनाया जा रहा है, मतलब म्यूनसिपालिटीज़ भी पंचायत भी कुछ ना कुछ प्लान फ्रेम कर रही है, भाई इस एरिया में इस विलेज के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, और म्यूनसिपालिटीज़ भी इस तरह से कुछ प्लान फ्रेम कर रही है, तो उन दोनों के प्लान्स को यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एज अ होल इंप्लीमेंट किया जाएगा. द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोइंग. पहला कि क्या कंपोजिशन होगा इस कमेटी का, मतलब कितने मेंबर्स होंगे, क्या मैनर होगा इलेक्शन ऑफ मेंबर्स और सच कमेटीज, इस पर्टिकुलर कमेटीज़ में जो मेंबर्स आएंगे वो किस इलेक्शन के थ्रू आएंगे, कैसा वो इलेक्शन होगा, तो वो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा डिसाइड किया जाएगा. ये कमेटीज़ किस किस फंक्शंस में काम करेगी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग. ठीक है, क्या क्या फंक्शंस होंगे इनके. नेक्स्ट, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटी. ठीक है, यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, पंचायत और म्यूनसिपालिटी के द्वारा जो भी प्लान्स बनाए जा रहे हैं उनको एज अ यू नो ड्राफ्ट डेवलपमेंट, मतलब उनके प्लान को एक यू नो सिंगल प्लान में कन्वर्ट करके कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से उसको प्लान को यहाँ पे प्रिपेयर करना है, वो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को कहीं ना कहीं फ्रेम करने में यहाँ पे हेल्प करेगी. और इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, ये कमेटी किन किन एरिया में फंक्शन क्या होगा, इसका क्या क्या काम करेगी, वो सब डिसाइड करने की पावर आपके स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है. द एक्ट लेज डाउन दैट द 4/5 ऑफ द मेंबर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंगस्ट दी फॉर अमंगस्ट देमसेल्व. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मेंबर्स इन द कमेटी शुड बी इन प्रपोर्शन टू द रेशियो बिटवीन द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट. यानी कि अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, उसमें से अगर हम मान लेते हैं पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ हैं, पंचायत में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे. ठीक है, सिमिलरली म्यूनसिपालिटीज़ में भी कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे. ठीक है, जिन्हें लोगों ने बेसिकली इलेक्ट करके भेजा है, तो ये जो अपने इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनमें से कुछ अपने मेंबर्स को यहाँ पे कह सकते हैं भेजेंगे कहाँ पे, आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कमेटी में. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में बेसिकली. ठीक है, तो वही ये चीज़ बोली हुई है कि द 4/5 मेंबर होने चाहिए, यानी अगर इन दोनों को कंबाइन कर तो 4/5 मेंबर्स होने चाहिए फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, दैट शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड द म्यूनसिपालिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ. यानी वो जो मेंबर्स इनके हैं उन्हीं मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा और वो मेंबर एज अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. एंड द रिप्रेजेंटेशन जो होगी, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, मतलब म्यूनसिपालिटी से कितने आएंगे, पंचायत से कितने आएंगे, तो वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की रेशो कितनी है. मान लेते हैं उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है मान लो 20% है और अर्बन 80% है, तो उस हिसाब से आपको जो है देखने को मिलेगा इतने मेंबर्स जो हैं कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में आएंगे, इसमें से इतने मेंबर्स जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में आएंगे, मतलब ओवरऑल जो है 4/5 मेंबर्स जो है यहाँ से निकल के आने चाहिए, बाकी जो 1/5 मेंबर है उसको स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, बट 4/5 मेंबर्स जो हैं आपको देखने को मिलेगा जो कि इलेक्टेड मेंबर हैं आपके डिस्ट्रिक्ट पंचायत से, और जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं उन सभी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं अपने में से किसी मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे. ठीक है, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत है उसमें इलेक्टेड मेंबर है मान लो 100, म्यूनसिपालिटीज़ में इलेक्टेड मेंबर है मान लेते हैं 100 है. ठीक है, अब उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो रेशो है रूरल वर्सेस जो है अर्बन का मान लेते हैं 2:8 है. ठीक है, एंड 20
80 है. अब उस हिसाब से देख लो, यहाँ पे ये लोग 20 लोग भेजेंगे, ये जो बेसिकली जो आपका पंचायत है 20 लोग भेजेगा, ये अपने 80 लोग भेजेगा, मतलब उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिसाइड करना है. मतलब ओवरऑल 4/5 मेंबर्स जो होंगे वो इस पर्टिकुलर जगह से आपको देखने को मिलेगा आएंगे. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, इन प्रिपरेशन द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्या क्या काम होगा. पहला कि द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द पंचायत एंड द म्यूनसिपालिटी, यानी ऐसी मैटर्स पे जो खासकर कॉमन है दोनों में, पंचायत में भी म्यूनसिपालिटीज में, उनसे बेसिकली काम करना है. जैसे कि आपका हो गया स्पेशल प्लानिंग, हो गई शेयरिंग ऑफ वाटर, अदर फिजिकल एंड नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया. तो ऐसे कॉमन इंटरेस्ट वाले मैटर्स को कहीं ना कहीं उनका जो है ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना है. बिकॉज देखो ऐसे जो कॉमन मैटर्स है ना उनके ऊपर देखो प्लानिंग जो आपका पंचायत है वो भी कहीं ना कहीं कुछ प्लान फ्रेम कर रहा है कि भाई मुझे किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट करना है, तो वो भी कुछ अपना प्लानिंग बना रहा है. म्यूनसिपालिटीज भी अपना कुछ प्लानिंग बना रही है. अब दोनों का देखो एम तो वही है कि वाटर को कैसे मैनेजमेंट करना है, बट क्योंकि ये जो प्लान बनाएंगे पंचायत भी बना रही है, म्यूनसिपालिटीज बना रही है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्या काम है इन दोनों के प्लान को कंसोलिडेट करके एक पूरा यू नो एक सिंगल प्लान बनाना, और फिर ऐसा प्लान उसको जो है ड्राफ्ट प्लान को फिर इंप्लीमेंट करना, ताकि और अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे उसको प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर. द एक्सटेंट एंड द टाइप ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज वेदर फाइनेंशियल अदरवाइज इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा. फर्दर द कमिटी शेल ऑल्सो कंसल्ट सच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ गवर्नर में स्पेसिफाई, यानी गवर्नर यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मान लो बोलती है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उनको कुछ इंस्टीट्यूशन हो गए, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो अपने पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट्स वगैरह बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी कंसल्ट कर सकती है कमेटी, ताकि एक डिटेल्ड वे में एक अच्छा सा प्लान बना सके और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. द चेयरपर्सन जो होंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के शेल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जो चेयरपर्सन बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, अब अपना प्लान किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, तो ये हमने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी देख ली. अब हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी. तो एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो है बेसिकली मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी, और इसका काम भी वही होगा कि एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करना है. एंड द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोइंग. सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, इट मीन्स एन एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख इन वन और मोर डिस्ट्रिक्ट एंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more म्यूनसिपालिटीज और पंचायत और अदर कॉन्टिजनस एरिया. यानी कि हम कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया बेसिकली वो एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है. इसमें एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको देखने को मिलेगा 2 or 2 से ज़्यादा म्यूनसिपालिटीज़ भी आपको इस पर्टिकुलर उसमें आती है. म्यूनसिपालिटीज़ होगी पंचायतों की, ऑब्वियसली आप अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा रूरल एरिया है तो पंचायत भी आएगा, थोड़ा सा अर्बन एरिया है तो वहाँ पर म्यूनसिपालिटीज़ भी आएगा. ठीक है, तो वही बात की जा रही है कि ऐसा मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे 10 लाख और से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, एक एक से ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, 2 or 2 से ज़्यादा म्यूनसिपालिटीज़ हो सकती है, पंचायत हो सकती है, या फिर अदर कंटिन्यूस एरियाज़ यहाँ पे हो सकते हैं, उनको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलेंगे. तो ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर है कहीं ना कहीं एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाएगी, जिसका काम क्या होगा कि वो ड्राफ्ट करेगी डेवलपमेंट प्लान. अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पे देखने को मिलेगा अगेन, कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो डिसाइड करे कि कमिटीज़ की क्या क्या कंपोजिशन होगी, उनके जो मेंबर्स होंगे किस इलेक्शन के थ्रू आएंगे, वो इलेक्शन का मैनर क्या होगा वो डिसाइड करना, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन जो होगा इन सच कमिटीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का होगा, या फिर कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन का भी रिप्रेजेंटेशन होगा. यानी कि भाई डिपेंड किया जाएगा कि मतलब कौन कौन से एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं. द फंक्शन जो होगा इन सच कमेटी का रिलेटेड टू द प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो करना है मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तो किस तरीके से किन किन एरिया में वो फंक्शन करेगी वो डिसाइड करने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है. एंड इन कमेटी के अंदर चेयरमैन होंगे, उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा ये भी डिसाइड किया जाएगा आपका स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा. द एक्ट लेज डाउन दैट द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन कमेटी should be elected by the elected members of the municipalities or chairperson of the panchayat in the metropolitan area from amongst themselves. The representation of these members in the committee should be in proportion to the ratio between the population of municipality and the panchayat in that metropolitan area. तो सेम आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही जो कि इलेक्टेड मेंबर है म्यूनसिपालिटीज़ के, यानी म्यूनसिपालिटीज़ के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे देखेंगी, और आपका जो पंचायत है उसके जो चेयरपर्सन है, ठीक है,
यानी कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से, ये मान लो अगर मान लो 100 इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो उनमें से कुछ मेंबर्स जो हैं, मान लेते हैं 20 मेंबर्स को ये इलेक्ट करके भेज रहे हैं कहाँ पे, आपका मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के अंदर। और ये जो चेयरपर्सन है पंचायत में, ये भी अपने कुछ चेयरपर्सन को जो है, मान लो 10 चेयरपर्सन को इलेक्ट करके इस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन कमेटी में भेज रहे हैं, तो जिस हाइपोथेटिकल नंबर, ठीक है। अब मेन चीज़ जो है यहाँ पे, जो ये मेंबर्स इलेक्ट होके आ रहे हैं ना, भले इलेक्टेड मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटी से आ रहे हैं और चेयरपर्सन जो पंचायत है वहाँ से आ रही है, ये बेसिकली 2/3 होना चाहिए जो टोटल बेसिकली मेंबर्स होंगे इस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन कमेटी के, उनमें से जो 2/3 मेंबर्स होंगे वो यहाँ से आने चाहिए बेसिकली बोला जा रहा है। और किस प्रपोर्शन में बेसिकली आएंगे तो अगेन डिपेंड करता है उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में म्यूनसिपालिटी और पंचायत का बेसिकली रेशो कितना है, ठीक है। यानी कितने, मतलब कितना वहाँ पे पंचायत का मतलब एरिया, कितना म्यूनसिपालिटी का एरिया, उसकी पॉपुलेशन पे कहीं ना कहीं, यानी जो वहाँ की पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे उतने यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स इस पर्टिकुलर कमेटी में आएंगे। बट यहाँ पे रेशो आपको ध्यान रखना है 2/3 होना चाहिए। देन हम देखिए, चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटी शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट को, अपना डेवलपमेंट प्लान जो भी होंगे वो देंगे। यहाँ पे देखने को मिलेगा, इन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ डेवलपमेंट प्लान अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है उनका काम किया, पहला द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द म्यूनसिपालिटी एंड द पंचायत ने जो प्लान बनाया उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, उसको कहीं ना कहीं ड्राफ्ट, एक सिंगल ड्राफ्ट प्लान जो है बनाना। ऐसे मैटर्स जो कि कॉमन इंटरेस्ट में है बिटवीन द म्यूनसिपालिटीज एंड द पंचायत, इंक्लूडिंग द कोऑर्डिनेटेड स्पेशल प्लानिंग ऑफ दैट, शेयरिंग ऑफ वाटर, अदर फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो गया, तो इन सब प्लान्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं काम करना जो कि कॉमन इंटरेस्ट में है। इसके अलावा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटी सेट जो की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा, उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, उन प्रायोरिटीज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं ड्राफ्ट प्लान बनाना। नेक्स्ट है द एक्सटेंट एंड द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइकली टू मेड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया बाय द एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड अदर अवेलेबल रिसोर्स, वेदर फाइनेंशियल और अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो बात की जा रही है, जैसे कि हमने बताया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लार्ज सिटी, उसके जो सराउंडिंग सब अर्बन्स है, एंड इट इज़ करेक्टराइज बाई हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका हो गया नेशनल कैपिटल रीजन हो गया अराउंड दिल्ली का, ठीक है। इसके अलावा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन हो गया, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया, सब क्या है मेट्रोपॉलिटन एरियाज। और यहाँ पे फंक्शंस करने के लिए, यहाँ पे प्लानिंग करने के लिए कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन कमेटी को बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे इसका मेन पर्पस ये है कि जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ हैं, दे कंसिडर द स्केल एंड द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि जो आपके सेंटर गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, स्टेट है, दे आर लाइकली टू मेक विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, ये बेसिकली रिलेटेड है टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हाउसिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करवाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो आपका मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, दे ऑल्सो कंसिडर द नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी कंसिडर करती है, सच एज लैंड हो गया, वाटर है, ह्यूमन कैपिटल है, और ये इवेल्युएट करती है कि हाउ दीज रिसोर्सेज कैन बी ऑप्टिकली, यू नो, ऑप्टिमली यूटिलाइज फॉर एरियाज डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके से हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल ले बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन एरिया का, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन है, कमेटी है, वो बेसिकली असेस करेगी वो सारे प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स को, जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं बाय द एजेंसीज लाइक बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट की है, इसके अलावा कर्नाटका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है, मतलब कर्नाटका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जो किया हुआ है, इसके अलावा बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड के द्वारा जो किया हुआ है, तो इन एजेंसीज के द्वारा जो जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है उसको एसेस करने का काम आपका एमपीसी के द्वारा किया जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जा रही है वो बेसिकली किन से चीज़ों से रिलेटेड होगी, पहला जैसे कि आप मान लेते हैं कि डेवलप करना है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाने हैं, या फिर कि यहाँ पे एक्सपेंड करना है मेट्रो लाइंस को, इम्प्रूव करना है रोड नेटवर्क्स को, इन्हेंस करना है आपके यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, इसके अलावा इंश्योर करना है सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सीवेज मैनेजमेंट हो, प्रिजर्व करना है ग्रीन स्पेस को, जो लेक्स है, बायोडाइवर्सिटी है ना, ओवरऑल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना है। तो इन एरियाज़ में जो इन्वेस्टमेंट आई है उस एरियाज़ में किस तरीके से यहाँ पे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उसका काम आपका एमपीसी का होगा।
और इसके लिए आपको देखने को मिलेगा जो आपका एमपीसी है यहाँ पे कोलैबोरेट करेगा लोकल बॉडीज़ के साथ, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रही होंगे, जो बाकी एक्सपर्ट हैं और कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलके यहाँ पे काम करेगी। बिकॉज कहीं ना कहीं जो कमिटीज़ जो है ना एमपीसी, उसको गवर्नर बेसिकली स्पेसिफाई करेगा कि आपको कंसल्ट करना है इंस्टीट्यूशंस के साथ, इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स के साथ ही कोलैबोरेट करके काम करेगी। एंड ये इंश्योर करेगी दैट द डेवलपमेंट प्लान जो है कहीं ना कहीं अलाइंड रहे विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो है जो कि सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर बाकी जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो भी अपना प्लान्स वगैरह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है उनके साथ उसका अलाइनमेंट होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो जो आपका यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग कमेटी है, इसका मेन रोल ये है कि किस तरीके से जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका फ्यूचर को शेप करना है बाय बैलेंसिंग द इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जो भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे प्रेजेंट है, सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसको यहाँ पे आपको जो भी डेवलपमेंट करनी है सस्टेनेबल तरीके से करनी है, वो सब काम यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के द्वारा किया जाएगा। और जो चेयरपर्सन होंगे इस मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के, वो अपनी जो भी रिपोर्ट वगैरह होगी, जो भी डेवलपमेंट प्लान होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, स्टेट गवर्नमेंट उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्युनिसिपैलिटीज़। ऑल दी स्टेट लॉ रिलेटेड टू द म्युनिसिपैलिटी शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी जो पर्टिकुलर एक्ट आया है 1992 में, जो कि फोर्स में आया था 1993 में, तो 1993 के एक साल तक जो है, यानी करीबन 1994 तक ये मतलब बेसिकली जब तक ये पर्टिकुलर वन ईयर ना हो जाए उसके तक आपको कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एक साल का यहाँ पर टाइम दिया गया है कि इससे पहले जो भी स्टेट लॉस थे जो कि बनाए गए थे कि किस तरीके से म्युनिसिपैलिटीज़ वर्क करेंगी, उन पुराने स्टेट लॉस को जो है आपको किसी भी तरीके से एक साल के अंदर जो है उनको बंद करके जो न्यू सिस्टम है म्युनिसिपैलिटी का उसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, यानी इन द वर्ड्स द स्टेट हैव टू अडॉप्ट द न्यू सिस्टम ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़ बेस्ड ऑन दिस एक्ट, यानी कि 74th अमेंडमेंट एक्ट को हिसाब से आपको फॉलो करना है विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द 1 जून ऑफ 1993 के आपको देखने को मिलेगा, एक साल तक के अंदर उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, विच इज़ द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। However, all municipalities existing immediately before the commencement of this act shall continue the expiry of this term. यानी इस पर्टिकुलर एक्ट से पहले जो भी municipalities थी वो अपना जो भी नॉर्मल 5 साल का टर्म है पूरा करेंगी, unless dissolved by the state legislature sooner। अगर वो डिजॉल्व हो जाती है तो उस हिसाब से जो भी नेक्स्ट न्यू municipality बनेगी वो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। यानी द एक्ट जो है बार करता इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़। यानी म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड कुछ भी इलेक्टोरल मैटर्स आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जुडिशरी को उससे दूर रखा गया है। ठीक है, एंड जुडिशरी के जो है यहाँ पे जुडिशन में ये चीज़ें नहीं आती है। इट डिक्लेयर दैट द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। इट फर्दर लेज डाउन दैट नो इलेक्शन टू एनी म्युनिसिपैलिटीज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी इन सच अ मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि अगर मान लो जो भी डिलिमिटेशन कमिटी जो होती है, कमीशन बेसिकली जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करती है, डिमार्केट करती है भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी और जिस तरीके से सीट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट करती है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जुडिशरी वहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आंसरेबल नहीं है, यानी वो उस चीज़ के ऊपर अपनी जजमेंट नहीं दे सकती। ठीक है, यानी अगर फिर भी अगर मान लो कुछ भी ऐसा इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है, कुछ भी आता है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऐसी कोई अथॉरिटी और किस तरीके से वो अथॉरिटी के द्वारा जो है उस पर्टिकुलर पिटीशन पे काम किया जाएगा वो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगी। यानी अभी तक के लिए तो जुडिशरी को इससे दूर रखा गया, बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर कल को एक ऐसा लॉ बना के कुछ ऐसी अथॉरिटी मतलब कुछ ऐसा बोल देती है कि हाँ इन पर्टिकुलर मैटर पे आपकी जुडिशरी जो है कहीं ना कहीं यू नो आंसरेबल कर सकती है या फिर इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है, तो वहाँ पे जुडिशरी फिर आएगी। बट अगेन वो चीज़ डिसाइड करने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, यानी कि कौन सी अथॉरिटी उन जो है इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी, किस तरीके से उन डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी, वो जो इलेक्शन से रिलेटेड जो पिटीशंस आई हैं, तो अगेन वो डिसाइड करने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। उस अथॉरिटी को बनाना भी और वो अथॉरिटी किस मैनर में काम करेगी वो चीज़ डिसाइड करना भी स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर है। नेक्स्ट है आपका 12th शेड्यूल। इसमें देखने को मिलेगा इट कंटेन्स द फ्लोइंग 18 फंक्शनल आइटम्स प्लेस्ड विद इन द परव्यू ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज़। वो 18 मैटर्स कौन से हैं? पहला कि द अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग द टाउन प्लानिंग इनके अंदर आती है, रेगुलेशन ऑफ लैंड को रेगुलेट करना, उसके यूज़ को रेगुलेट करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को प्लान करना, रोड्स एंड ब्रिजेस हो गए, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पसेस के लिए, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, फायर सर्विसेज हो गया, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, स्लम एम्पावरमेंट करना, उनको अपग्रेडेशन करना, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन करना, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज सच एज पार्क, गार्डन, प्लेग्राउंड, प्रमोशन ऑफ कल्चर, एजुकेशन, एस्थेटिक एस्पेक्ट हो गया, बरियल्स एंड बरियल ग्राउंड्स हो गए, क्रीमेशंस, क्रीमेशन ग्राउंड्स हो गए, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियंस हो गए, इसके अलावा कैटल पाउंड है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स को देखना, वाइटल स्टैटिस्टिक इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, पब्लिक एम्यूनिटीज इंक्लूडिंग द स्ट्रीट लाइटिंग, पार्क्स हो गए, बस स्टॉप्स हो गया, पब्लिक कन्वीनियंस हो गया, रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज एंड टेनरीज हो गया। तो ये सारे के सारे जो कह सकते हो फंक्शनल आइटम्स है, ये हमारे म्यूनसिपालिटीज़ को दिए गए ताकि इससे रिलेटेड जो भी प्लान्स वगैरह है वो फॉर्मुलेट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर आपके देखने को मिलेगा जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, वो यहाँ पर उसके सारे के सारे जो फीचर्स से हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम उन 8 लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे जो कि बेसिकली अर्बन एरियाज में फॉर्म होती हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो हमने 8 टाइप्स की जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, म्यूनसिपालिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप बोर्ड, ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पज एजेंसी। तो इस सब चीज़ों को हम कल की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। सो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, इसको फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इन केस अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।